जो लोग बार बार जो झूठ बात करते हैं तो झूठ में गुनाह कबीरा है या क्या है झूठ की बात? भाई ने एक सवाल किया कि जो लोग जो है बाकसरत झूठ बोलते हैं और बार बार झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने के ताल्लुक से क्या? देखिए झूठ जो है ये गुनाह कबीरा है। झूठ किसी का हक मारने बोला जाए, किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए बोला जाए, मजाक में बोला जाए, किसी भी उसमें झूठ झूठ है। हत्ता कि बच्चों को भी झूठ बोलना हराम है इस्लाम में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़ा ये हुआ कि आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालदा एक मरतबा मुझे बुलाने लगी और बुलाते वक्त उन्होंने अपने हाथ को बन के और कहा अगर तुम मेरे पास आए आमिर तो मैं तुम्हें कुछ दूंगी। तो माफ़ करना अब्दुल्ला बिन आमिर। तो वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मेरी वालदा की तरफ बढ़े और कहा क्या वाकई में तू अपने बच्चे को जब वो तुम्हारे पास आऊँगी कुछ दूंगी? तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल एक खजूर है, कहा अगर तेरे पास कुछ नहीं होता तो तेरे नाम एक झूठ लिख दिया जाता। तो बच्चों से भी झूठ नहीं बोल सकते आप। तो झूठ किसी भी किस्म का हो शरीयत में नहीं कहा जा सकता, ये सख्त जुर्म है, ये गुनाह कबीरा है और इतना बड़ा गुनाह है कि एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी सही बुखारी की रिवायत है आपने कहा अल्लाह तो मैं क्या तुम्हें बता दूँ गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह कौन से? तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल बता दीजिए। तो पहला कहा कि अलशराकु बिल्लाह अल्लाह के साथ शिर्क करना, व हुकूकुल वालिदैन और वालिदैन की नाफरमानी करना। और उसके बाद हदीस में अल्फाज आप टेके से थे, आपने टेका छोड़ दिया और कहा झूठ बोलना। दो बातों को आपने टेके से बयान किया, एक बात के लिए आपने टेका छोड़ दिया कहा झूठ बोलना। यह एक रिवायत में अल्फाज झूठी गवाही देना। एक रिवायत में आपने फरमाया लानत है उस शख्स पर, लानत है उस शख्स पर, लानत है उस शख्स पर। पूछा गया किस पर? तो कहा जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले, मजाक में झूठ बोलना हराम। बोल देते हैं लोग ऐसा था मैं क्या एक आदमी गिर गया और सब हंसते हैं, मजाक में झूठ बोलना हराम है, बच्चों को झूठ बोलना हराम है, किसी भी शक्ल में आता कि झूठ हराम है सिवाय चंद सूरतों के, सिवाय चंद सूरतों के। बहुत मायने उठे हो वो कौन कौन सी जगह जहाँ झूठ बोल सकते हैं आप? पहला इस्लामी जिहाद या जंग, यहाँ आप झूठ बोल सकते हैं। आपको किसी ने पकड़ लिया फौज में थे, कितने मुसलमान आदमी हैं? अगर आपको लगता है ज़्यादा बोलने से डर खा के भाग जाएंगे तो आप झूठ बोल ज़्यादा बोल दीजिए। आपको लगता है कम बोलने से लड़ने के लिए आएंगे और हम तैयार हैं लड़ने के लिए तो कम बोल दीजिए, यह इख्तियार है। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते रात में कि हम कल मशरिक़ की तरफ कुछ करेंगे मदीना से, ठीक, और उसके बाद फजर की नमाज़ होती, नमाज के बाद आप मगरिब की तरफ कुछ करते, अपोजिट ईस्ट बोलते और वेस्ट जाते, समझ रहे आप? क्यों? तो आप जिहाद के लिए जा रहे हैं ना, ऐलान जब रात में होगा दुश्मन उधर प्लान करेगा, आप निकल रहे हैं इधर से। कभी आप ऐलान करते हम इस रास्ते से जाएंगे, लोग तैयारी करते और रास्ते के पास जाकर रसूलल्लाह कहते हम इस रास्ते से जाएंगे, चूँकि हो सकता है दुश्मन रेडी हो गया होगा। तो जिहाद जंग में जब मुसलमानों की है वहाँ झूठ जायज़ है, एक चूँकि जंग तो धोखा है, ठीक। दूसरा झूठ कहाँ जायज़ है एक इंसान के लिए? तब जायज़ है कि जब अगर किसी की बीवी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो और वो किसी चीज़ से मानती ही नहीं, राज़ी नहीं होती है, रसूलल्लाह ने कहा उसको थोड़ा सा झूठ बोल देना चाहिए। ऐसा क्या एक इंसान है उसकी बीवी कहती है 10 तोले का मुझे हार लागे, तो इस ईद पर 10 तोले की दूर की बात है, 1 तोले की इस्तात नहीं बेचारे की। अब वो ज़िद है और उसके उस मिजाज की वजह से क्या हो रहा, खाना बराबर नहीं बना रही, बच्चों की तरबियत नहीं कर रही, पूरा दिमाग उसका जब तक ख़राब है ना। तो फिर रसूलल्लाह ने कहा थोड़ा सा उसको, हाँ ठीक है, हालाँकि आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं लेकिन आप मजबूर हैं, ताकि उससे उसकी उसका जो है इस्लाह हो जाए और हो सकता है ईद आने तक उसको खुद समझ में आ जाए कि शौहर की क्या हालत है। थोड़ा सा तीसरा मुकाम जो आपने फरमाया थोड़ा झूठ बोल सकते, वो ये है दो मुसलमानों की रंजिशों को या झगड़े को ख़त्म करने, थोड़ा सा, लेकिन वो सफ़ेद झूठ नहीं होगा, एक ऐसा झूठ जिसके बोलने से दोनों के दिलों में जगह पैदा हो जाए। जैसे कि नफ़रतें पैदा होती हैं ना, नफ़रतें कैसे पैदा होती है एक दूसरे के दिल में थोड़ी थोड़ी बातों से, तो मोहब्बत भी थोड़ी थोड़ी बातों से। जैसे कि मिसाल के तौर पर दो भाइयों में झगड़ा है, अब एक कोई मिलने गया जो दोनों का दोस्त है, मिलने गया और बोला वो भाई तो यार तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, खाली थोड़ा सा कुछ तो भी, थोड़ा कैसा, वो तुम्हारा नाम अच्छे से नहीं ले रहा था, इतना बोलना है तो सुकलिक हो जाता और वो पूरे पुराने मुर्दे उखाड़ता फिर दिल में, जब भी ऐसा, हाँ ये है ना, समझ रहे हैं? वहीं अगर आपने ही बोल दिया वो अच्छी बात कर रहा था आपसे, ऐसी बातों में वो अरे अच्छी बात कर रहा था, वो पुराने मुर्दे दफनाना शुरू कर रहा था, नहीं यार अच्छा भाई अपना अच्छा बोल रहा है, इतना होने के बाद भी अच्छा, समझ रहे हैं? थोड़ी थोड़ी बात। तो आप ऐसा झूठ बोल सकते हैं जिससे दो मुसलमान जमाते, दो पार्टियां, दो फर्द, दो घर, दो लोग, इसलिए कि जब झगड़ा होगा, फितना होगा, इससे नुकसान उम्मत को होने वाला, लिहाजा थोड़ा झूठ वहाँ जायज़। अल्लाह एक्सट्रीम कंडीशन में झूठ हलाल है, देखिए आप जिहाद में घरों के अमन अमान के लिए, मतलब मियाँ भी झगड़ेंगे तो कितना बिगड़ जाता है अमन अमान, बच्चे बिगड़ जाते हैं उसके। तीसरा दो लोगों के झगड़े को ख़त्म करने, आप थोड़ा सा बोल सकते हैं। यहाँ पर तो दो लोगों के झगड़ा डालने के लिए लोग झूठ बोलते हैं ना, दो लोग अच्छे दो भाई बहुत मिलकर, अच्छा बहुत मिलकर रह रही है, ठीक है कल बताता हूँ।
मिलाने के लिए झूठ बोलना है, तोड़ने के लिए झूठ बोला जाता है। तो मिलाने के लिए थोड़ा झूठ, सफ़ेद झूठ नहीं, थोड़ा झूठ कि वो तो अच्छी बात कर रहा था, उसकी बातों से ऐसा लग रहा था शायद आपसे मिलना चाह रहा है, उससे दिल में जगह पैदा होती, उधर भी जाके आप बोल रहे हैं ऐसा लग रहा था वो शायद माफ़ी का जज्बा है उसके अंदर, उसके अंदर माफ़ी का जज्बा है, आप समझे ना। तो ये थोड़ा झूठ है, सफ़ेद झूठ बोलेंगे तो वो बात बनने वाली भी नहीं। आप जाके बोल रहे वो तो पैर पड़ना चाह रहा, तुम्हारी माफ़ी मांगना चाह रहा, ये वो बोलते वो तो चलो पैर पड़ो, क्यों उसने बोला मेरे को तुम पढ़ना, बोलता उसने मेरे को बोला तुम पढ़ना चाह रहे, सफ़ेद हो गया हल्का, जिससे दोनों मोहब्बत उल्फत पैदा होना चाह जाएंगी और कभी ना कभी फिर मिल जाएंगे। थोड़ा झूठ जिससे दो लोग मिल जाए, चाहे मियाँ बीवी हो, चाहे दो भाई हो, चाहे दो पड़ोसी हो, दो मुल्क हो, दो सल्तनतें हो, दो जमातें हो, दो फरीक हो, दो ग्रो हो, दो ऑर्गेनाइजेशन हो, बोल सकते हैं थोड़ा सा ठीक। तो ये जगहों पर झूठ, इसके अलावा सारे झूठ हराम है, तक और तमाम झूठ गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा वो गुनाह होते हैं जिसके लिए तौबा वाजिब और लाजिम है।